हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। ये जेसीबी 3DX मशीन है, इसका अभी हमने ये स्टेयरिंग रैम खोला हुआ है, इसको अभी हमने बाहर निकाल लिया है। तो इसका अभी हम सील किट चेंज करने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में बताएंगे आपको इसका सील किट चेंज कैसे करना है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, इसका मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, उससे आप एकदम ईजी इसका सील चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, पहले ये रॉड दोनों खोल लेना है। अभी हमने इसको बाहर निकाल लिया था, ये पहले ही खोल लेना है। अभी हमने मशीन का दूसरा काम करने के लिए, दड़ी का काम के लिए खोला हुआ था, इसीलिए इसको बाहर निकाला हुआ था। तो इसीलिए अभी हमने इसको वाइस में पकड़ के यहाँ पे इस तरह से खोल रहे हैं। इसको 30-32 का पाना बैठ जाता है और एक जो उसका बॉल जॉइंट है उसमें 50 का पाना बैठ जाता है। नहीं है तो पाइप रेंज से भी खोल सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ के पहले हम ये बॉल जॉइंट इसके खोल लेते हैं। अभी हमने इसको खोल लिया था इसलिए वाइस में पकड़ रहे हैं। बाकी इसको मशीन में जब लगा हुआ रहता है ऊपर ही पहले रॉड खोल लेना है। अभी ये देखिए, इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। इसका एक बात याद रखना है, दोनों पिस्टन एक साथ नहीं खोलना है। अभी हम एक ही पिस्टन खोलेंगे इसका पहले और रॉड पहले बाहर निकालेंगे। ये देखिए, लॉक हमने निकाल लिया है लॉक पकड़ से। इसको थोड़ा साफ़ कर लेना है, यहाँ पर मिट्टी रहता है थोड़ा, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में ये पिस्टन है, इसको अंदर ठोकना है, एक ही ठोकना है, एक बार में दोनों पिस्टन नहीं ठोकना है, एक ही ठोकना है और इसको पहले बाहर निकालना है। ये देखिए, इसको अभी हमने ठोक लिया है। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए, तार का लॉक है एक, तो ये लॉक को पहले हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये तार वाला लॉक रहता है यहाँ पे, ये हमने निकाल लिया है। अभी इसको इस तरह से लकड़े पर ऐसा अगर हम एक तरफ से ठोकते हैं, ये देखिए ऊपर आ गया पिस्टन हमारा, फिर थोड़ा वो बाकी है तो उसको इस तरह से आड़ा रख के ठोक के निकाल लेंगे। ये देखिए, रॉड निकल गया हमारा बाहर। इस तरह से पहले एक रॉड पिस्टन बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, ये बाहर निकल गया हमारा, इसको पूरा बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ही ये दूसरा लॉक निकालना है, ये हमने इसका लॉक नहीं निकाला था, तो अभी हम इसका लॉक निकालेंगे और उसके बाद ये पिस्टन भी हम निकाल लेंगे। तो इसका लॉक पकड़ से ये देखिए, इस तरह से ये लॉक निकल जाएगा। एक साथ में दोनों पिस्टन कभी भी अंदर नहीं ठोकना है, और अगर कभी अंदर आपने ठोक दिया तो फिर उसको आपको प्रेस पे दबा के ही निकालना पड़ेगा। वो प्रेस पे दबाए बगैर निकलेगा ही नहीं। अगर कभी गलती से दोनों एक साथ अंदर ठोक दिए हो तो फिर उसको प्रेस पे दबा के ही निकालना पड़ता है, और वो वैसे ही निकलता है, फिर ऐसा ठोक के निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एयर भर जाती है, जंप करता है। उसके बाद ये देखिए, अभी हमने इसका लॉक निकाल लिया है। इसको थोड़ा लकड़े पर उल्टा ठोकेंगे तो ये लेवल जितना ऐसे ही ठोक के आ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा हम इसको टामी से ठोक लेंगे, इस तरह से ठोक के निकाल सकते हैं। ये देखिए, पिस्टन हमारा निकल गया है, ये पिस्टन आ गया है हमारा बाहर। अभी इसके सील निकाल लेते हैं पहले, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके सील निकल जाएंगे। ये डस्ट सील और अंदर मेन सील, इस तरह से दोनों ही सील आते हैं सिर्फ इसमें। ये स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से ठोक के हम ये सील को निकाल सकते हैं। ये सील हमारा अंदर का निकल गया है, और आगे यहाँ पे ये ओरिंग आती है इसको एक, तो ये ओरिंग को भी इस तरह से निकाल लेना है। बस इतना ही आता है इसमें, दो ऑयल सील और एक ओरिंग, तो इसको निकाल लेते हैं चलो फटाफट। ये दूसरा भी पिस्टन, इसकी भी ओरिंग निकाल लेते हैं, और ये जो हमारा रॉड है, रॉड के भी सील है यहाँ पर, ये सील भी निकाल लेते हैं। ये बीच में भी यहाँ पर एक मेन सील है इसका, इसको भी निकाल लेते हैं। ये कड़क हो गए रहते हैं तो इसको कट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट करके निकाल लेना है। उसके बाद जो अंदर ओरिंग है, ओरिंग को भी इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से दबा के निकल जाएगा। तो इस तरह से ये ओरिंग भी हमारा निकाल लेना है, ये ओरिंग इस तरह से निकल जाएगा। ये ओरिंग आ गया हमारा बाहर, अभी नया सील डाल लेंगे। तो नया सील का पोजीशन देख लेना है, जिधर ये देखिए अंदर से नीचे से ओरिंग लगा हुआ है, कट है, वो भाग नीचे जाएगा और जो प्लेन वाला भाग है ऊपर रहेगा। इस तरह से सील को बिठाना है, फिर हाथों से दबा के इस तरह से ये सील बैठ जाएगा हमारा। उसके ऊपर ये देखिए, ये बैकअप आती है मेन सील के ऊपर, तो ये मेन सील के ऊपर ये बैकअप को इस तरह से दबा के लगा लेना है। ये दबा के बैठ जाती है हाथों से ही। उसके बाद ये ऊपर की हमारी जो डस्ट सील है उसको बिठा लेना है, इसमें नरम वाली डस्ट सील आती है, तो ये देखिए इस तरह से। और ये ओरिंग लगेंगी यहाँ पे एक, तो ये ओरिंग को बिठा लेना है। बस ये इतना ही सील इसमें आता है, दो सील और एक ओरिंग। तो ये दूसरा पिस्टन भी चलो फटाफट फिट कर लेते हैं।
थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा स्पीड से थोड़ा फटाफट फिट कर लेते हैं। ये देखिए दोनों पिस्टन हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अभी रॉड की भी सील डाल लेते हैं। पहले ये ओरिंग डाल लेना है अंदर, ये देखिए ये ओरिंग को इस तरह से दबा के ये ओरिंग हमारा बैठ जाएगा। ये देखिए ओरिंग हमारा बैठ चुका है। ये सील बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये सील को बिठाते वक्त याद रखना है इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाता है। स्क्रू ड्राइवर से अगर हम ज़्यादा दबा देते हैं तो ये टूट जाता है। तो इस तरह से रस्सी ले लेना है और रस्सी से इसको दबा के रखना है और घुमा घुमा के इस तरह से घुमा घुमा के इसमें डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से घुमा घुमा के अगर हम डालते हैं तो ये बैठ जाता है। इस तरह से इसको दबाना है अच्छे से, ये भी पूरा नहीं बैठा है, इसको और दबाना पड़ेगा हमें। ये देखिए इस तरह से इसको रस्सी से अच्छे से दबाना है, ये बैठ जाएगा। देखिए ये अभी बैठ चुका है लेकिन ये थोड़ा लूज है। ये देखिए बैठने के बाद ये पूरा गोल घूम रहा है, थोड़ा लूज है, तो हम इसको अभी रिंग कंप्रेसर से थोड़ा दबा लेंगे ताकि वो पूरा चिपक जाएगा। तो ये रिंग कंप्रेसर से हम दबा लेंगे। अगर आपके पास रिंग कंप्रेसर नहीं भी है तो आप जो होस पाइप की क्लिप आती है होस पाइप टाइट करने की, उसको लगा के भी दबा सकते हैं। तो अभी हमने इसको दबा लिया है, दबा के थोड़ा 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इसको खोल लेना है। ये देखिए अभी हमने खोल लिया है इसको, ये देखिए ये सील इसकी प्रॉपर चिपक चुकी है, कंप्लीट बैठ चुकी है। अगर लूज रहती है तो बिठाते वक्त भी वो टूटने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए इसको दबा ही लेना है। अभी इसके जो बेल्ट है वो भी लगा लेंगे दोनों और फिर करेंगे इसको फिट। ये देखिए ये दोनों बेल्ट भी हमारे लग चुके हैं। अभी फिट करते वक्त भी याद रखना है एक पिस्टन पहले पूरा कंप्लीट लगाना है, उसके बाद ही रॉड डालना है। ये देखिए एक पिस्टन पहले इसको ऑयल लगा लिया है हमने, अंदर ट्यूब में भी ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद फिर इसको बिठा लेंगे पहले। ये देखिए हल्का हल्का ठोक सकते हैं, इसको ठोक के बिठा लेना है पिस्टन को। ये जो हमारा लॉक बैठेगा, लॉक की जो कट है उतना इसको अंदर ठोकना है। ये देखिए अंदर ठोकने के लिए थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम धीरे धीरे हल्का हल्का ठोक लेंगे। जो कट है उसका कट तक ही ठोकना है। ये देखिए लॉक का कट हमारा आ गया है, तो फिर अभी ये लॉक पहले बिठा लेंगे। ये लॉक बिठा लेंगे, ये लॉक इस तरह से दबा के बैठ जाएगा। ये लॉक हमारा बैठ चुका है प्रॉपर अच्छे से। अभी इसको उल्टा रख के ठोक के, ये देखिए इस तरह से ठोक के पिस्टन को पहले कंप्लीट बिठा लेना है। ये देखिए पिस्टन हमारा कंप्लीट इधर बाहर आ गया है, तो अभी बाहर का जो लॉक है हमारा उसको लॉक लगा लेंगे बाहर का। ये देखिए ये लॉक लगा लेंगे पकड़ की मदद से, ये लॉक बिठा, ये देखिए लॉक को अच्छे से बिठा लेना है। लॉक हमारा बैठ चुका है, ये देखिए लॉक हमारा बैठ चुका है। अभी हम रॉड इसमें फिट कर सकते हैं, तो ये रॉड पे यहाँ पे ऑयल लगा लेना है, अंदर ट्यूब में भी ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा के इसको फिर सीधा सीधा रख के इस तरह से रखना है, थोड़ा घुमा के अच्छे से मैच कर लेना है और फिर इसको हल्का हल्का ठोक लेना है ऊपर से, ये चला जाएगा अंदर। ये देखिए ये बैठ गया है, थोड़ा हमको उधर बाहर निकालने का है उसको, तो इस तरह से ठोक के उसको दूसरी तरफ बाहर निकाल लेना है। उसके बाद अभी ये पिस्टन बिठा लेंगे, इसको भी ऑयल लगा लेना है, सील पे ओरिंग पे दोनों तरफ ऑयल लगा लेना है। और ऑयल लगाने के बाद फिर इसको ये अंदर भी ऑयल लगा लेना है ट्यूब में भी, ताकि ईजी बैठ जाए पिस्टन हमारा। और ये इस तरह से रख के फिर इसको दबा देना है, इस तरह से पिस्टन को दबा देना है और फिर इसको हल्का हल्का ठोकेंगे। ये भी थोड़ा ठोक के बिठा लेंगे, ये पिस्टन को ठोक के बिठा सकते हैं। इसको थोड़ा हल्का हल्का मारना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, नहीं तो हमारी जो लॉक की कॉलर है वो टूट जाएंगी। इसको हल्का हल्का मारना है स्क्रू ड्राइवर से, फिर इसको ठोक के जो हमारा लॉक का कॉलर है उतना इसको अंदर ठोक लेना है। तो अभी हमारा ये लॉक बैठ जाएगा उतना अंदर हमने इसको ठोक दिया है, तो अभी ये लॉक बिठा लेंगे। अभी इधर एक बात याद रखना है कि ये लॉक बिठाने के बाद ये ठोक के रॉड नहीं बैठेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये ठोक के नहीं बैठेगा। अभी इसको या तो प्रेस पे दबा के बिठा सकते हैं, ये देखिए जैसे हम ठोक रहे हैं ये पीछे जंप मार रहा है क्योंकि ये एयर पकड़ता है। एक होल इसका अभी बंद हो चुका है, तो इसको सीधा फिट कर लेना है। अभी हमारा एक पिस्टन अंदर ही है, बाहर निकला नहीं है। और बैठाते वक्त ये बात भी याद रखनी है कि ये जो पाइप के मुंह है ये ऊपर की साइड रहने चाहिए। अगर नीचे की साइड रहेंगे तो पाइप टूटने के चांसेस रहते हैं, पत्थर लग सकता है, तो इसीलिए इसके जो मुंह है वो ऊपर की साइड रखना है पाइप के और इसको फिट कर लेना है। ये चारों बोल्ट, फिर इसके 24 के बोल्ट है, चारों बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेंगे पहले
ये देखिए चारों बोल्ट टाइट कर लेना है, चारों बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं। अभी हम इसको पाइप लगा लेंगे, तो जिधर का पिस्टन बाहर होगा उसके अपोजिट साइड वाला लगाना है। तो अभी ये देखिए ये सामने वाला पिस्टन हमारा अंदर के साइड है, तो उसका अपोजिट साइड वाला पाइप हमने लगाया है। जो भी पिस्टन अंदर होगा उसके अपोजिट वाला पाइप लगाना है, एक ही पाइप लगाना है, और एक ही पाइप लगा के पहले उसको टाइट कर देना है, और उसके बाद स्टेयरिंग घुमाते जाना है। ये देखिए जैसे अभी ऊपर हम बंद में ही स्टेयरिंग घुमाना है, मशीन चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बंद में भी ये आ जाता है, सिर्फ स्टेयरिंग घुमाना है। ये देखिए ऊपर जाके जैसे जैसे हम स्टेयरिंग घुमा रहे हैं ये रॉड इसका बाहर आ रहा है, और जैसे ही उसमें प्रेशर आएगा ये देखिए एकदम से झटके से उसने बाहर फेंका पिस्टन को। पिस्टन अभी हमारा बाहर आ चुका है, अभी हम इसमें लॉक बिठा सकते हैं। ये देखिए पिस्टन हमारा कंप्लीट बाहर आ गया है, अभी इसमें लॉक बिठा लेंगे। इस तरह से इसका लॉक बिठा के इसको फिट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम पूरे रिपेयरिंग के वीडियो हमारे चैनल पे डालते रहते हैं, पूरा टोटल पूरा मशीन का हर मशीन का रिपेयरिंग का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी ये पाइप टाइट कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसके जो बॉल जॉइंट है दोनों तरफ के वो लगा लेंगे। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।